very quickly. और हर किसी को हर एक चीज बहुत जल्दी से चाहिए. Because in this age we live, we want everything quickly. क्योंकि जिस युग में हम रहते हैं, इस युग में हर एक इंसान को हर चीज बहुत जल्दी से चाहिए होती है. Although the age has changed, the word never changes. देखिए, हालांकि युग जरूर बदल गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन अभी भी वैसा ही है, वो बदला नहीं है. And waiting is very important. और हमें इंतजार करना बहुत जरूरी है. Let's go to one verse, Galatians 6, verse number 9. आइए हम एक वचन को देखते हैं, गलातियों 1:9. The art of waiting. इंतजार करने की कला. Right. The art of waiting. इंतजार करने की कला. So Galatians 6:9. गलातियों 6:9. It says, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे. One of the key verses. उसमें एक कुंजी यह है. And let us not be weary in well doing, for in due season we will reap if we do not faint. हम भले काम करने में सांस न छोड़े, क्योंकि यदि धीरे न हो तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे. So when you give your tithe, तो जब आप अपना दशमांश देते हैं, or when you sow your seeds, जब आप अपने बीज को बोते हैं, what are you supposed to do? आपको उसके बाद क्या करना है? You are supposed to wait. आपको इंतजार करना है. And not many people want to wait. और बहुत सारे लोग इंतजार करना नहीं चाहते. Why do you wait? क्यों आप इंतजार करते हैं? Because your due season is coming. क्योंकि आपका जो कटनी का समय है वो आ रहा है. You know, one translation हिंदी में एक अनुवाद में लिखा है कि आपका निर्धारित समय आ रहा है. आपका नियुक्त किया हुआ समय. Your appointed time of harvest is coming. आपका निर्धारित या नियुक्त किया हुआ समय आ रहा है. See, when you know that your due season is coming, you will not become weary. देखिए, अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि आपका नियुक्त समय आ रहा है, तो फिर आप उसके बारे में घाई नहीं करेंगे. When you know that your appointed time, your right time of harvest is coming, you will not faint. You will not give up. आपको जब भी पता होगा आपका कटनी का जो सही समय है वो आ रहा है, तो आप निराश नहीं होंगे और आप हार भी नहीं मानेंगे. Many times people give up. और बहुत बार लोग हार मान जाते हैं. Because they see no results. क्योंकि उन्हें भी कोई परिणाम नहीं दिखता. I am tithing, nothing happens. मैं दशमांश दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है. I am sowing, I sow for 3 times, nothing happens, it doesn't work. और मैं 3 बार बीज बोया, मैंने 3 बार बोने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, ये मेरे लिए काम नहीं करता. I gave my tithe, nothing happens. और मैंने दशमांश दिया, मेरे लिए कुछ फायदा नहीं हुआ. And we soon give up. और हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं. But in the school of prosperity there is something called wait. लेकिन संपन्नता की पाठशाला में जैसे हम सीखते हैं, ऐसी कोई चीज है जिसको इंतजार करना भी कहते हैं. Why? Because your due season is coming to you. क्योंकि आपकी कटनी का निर्धारित समय निकट आ रहा है. Now some of the points I want to share very important. कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मैं आपसे बताना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है. Next time when you tithe, जब अगली बार जब आप दशमांश देंगे. Next time when you sow, जब अगली बार आप बीज बोएंगे. Or when you give, जब आप भेंट देंगे. Say this, my due season is coming. आप ऐसा बोलिए कि मेरा निर्धारित समय आ रहा है. See, my due season is coming. मेरा निर्धारित समय आ रहा है. That will help you that you don't lose heart. वो ऐसा बोलना आपकी मदद करेगा ताकि जिसके द्वारा आप हार न माने. Every tither, sower and giver has a due season of harvest. देखिए, हर एक बोने वाला, भेंट देने वाला और दशमांश देने वाले का एक समय, निर्धारित समय है और वो उसके लिए वो आएगा. If you are a tither, अगर आप दशमांश देने वाले हैं. If you are a sower, अगर आप बीज बोने वाले हैं. If you are a giver, अगर आप भेंट देने वाले हैं. God has appointed a due season, a right time when the harvest will come to you. परमेश्वर ने एक नियुक्त समय आपके लिए निर्धारित करके रखा है, जहाँ पर आपकी कटनी जिस निर्धारित समय पे आने वाली है. So don't lose heart. तो आपको हार मानने की जरूरत नहीं है. Don't give up. और आपको हार मानने की जरूरत नहीं है. Because I don't see anything. क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. One brother came to me. एक भाई मेरे पास आए. He said, I have lot of financial problems. और वो मेरे पास आए और बोले, मेरे पास बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हैं. You know, one of the biggest problem, what is that? आपको मालूम है उसका एक सबसे बड़ा समस्या क्या था? Financial problem is one of the biggest problems. देखिए, आर्थिक समस्या सबसे एक बड़ी समस्या है. So he asked me, anytime anyone tells me I have a financial problem, my first question is, do you tithe?
जब भी कोई पूछता है कि मेरे पास आर्थिक समस्या है, तो मेरा सवाल उनसे पहला ये होता है, क्या आप दशवांश देते हैं? Do you tithe? क्या आप दशवांश देते हैं? He said, I tithe. वो बोलता है कि मैं दशवांश देता हूँ. Then I asked him, based on which words do you tithe? और मैं कहता हूँ, कौन से वचन के आधार पे तू दशवांश देता है? He said, I don't know. और उसने बोला, मुझे पता ही नहीं है. I said, what? You don't know on which words you are tithing? और आपको ये पता ही नहीं है कि कौन से वचन की वजह से या किसके आधार पर आप दशवांश देते हैं? Can you tell me the verse that provoked you to tithe? क्या आप मुझे ऐसा वचन बता सकते हैं जो आपको उत्साहता है दशवांश देने के लिए? He doesn't know the words. और उसको कोई वचन पता ही नहीं था. He's only doing it because someone said tithe. उसने वो सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि किसी ने उससे कहा कि दशवांश देना है. He will not wait for the due season. He will give up. और वो अपने निर्धारित समय के लिए इंतजार नहीं करता और वो हार मान जाता है. In your due season, you will reap if you don't give up. यदि तुम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटोगे. So you have a due season. तो आपका एक निर्धारित समय है. God never forgets a single tithe. Remember that. परमेश्वर कभी भी आपका एक भी दशवांश जो आपने दिया हो कभी उसे भूलता नहीं है. God never forgets a seed sown. और परमेश्वर कोई भी आपका बोए हुए बीज को भूलता नहीं है. And whenever you tithe and sow, there is a due season, a right time when your harvest will come to you. जब भी आप दशवांश देते हैं, बोते हैं, तो आपके लिए वो समय एक नियुक्त कर दिया जाता है जिस समय आपको आपकी कटनी दी जाएगी, वो उसी समय नियुक्त कर दिया जाता है. So don't be tired in well doing. तो आप ढीले न पड़े जब आप इसको कर रहे हो. He said, nothing happens. What is the use of giving the tithe? What is the use of sowing? Nothing happens. और आप ऐसा मत बोलिए कि क्या फायदा है दशवांश डालने का, क्या फायदा है बीज बोने का, इसको बोने के बाद कुछ दिखता तो नहीं है, कोई परिणाम हमको दिखता नहीं है, तो इसको कुछ करने का कोई फायदा नहीं है. No changes in my finances. और हमारे आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं दिखता. Everything negative I see. हर कोई नकारात्मक चीजें ही हम देख रहे हैं. Don't become weary. आप चिंतित मत होइए. Because your due season is coming. क्योंकि आपका ठीक समय आ रहा है. Don't give up. आप हार मत मानिए. Keep tithing. आप लगातार दशवांश देते रहिए. Keep sowing. और लगातार बीज बोते रहिए. Keep blessing people. और लोगों को आप भेंट देते रहिए. Keep sowing. और बीज बोते रहिए. Why? क्यों? Because your due season is coming. क्योंकि आपका नियुक्त किया हुआ समय आ रहा है. You know, there is a time when the clouds are full of rain. When they are full of rain, at the right time, the rain will come. एक ऐसा समय है जब बादल भरते हैं. जब बादल पूरी तरीके से भर जाएंगे, उस समय वर्षा जरूर होगी. At the right time, the rain will come. और वो सही समय पे वो बारिश आएगी. So don't give up. तो आपको हार नहीं मानना है. Okay, so what should I do? तो मैं हमें क्या करना चाहिए? Some of the points I want to share very quickly. कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ. Because I want to destroy every financial struggle from your life. क्योंकि मैं आपके जीवन से हर एक आर्थिक संघर्ष को नाश करना चाहता हूँ. Some people are dependent on their parents. और कुछ लोग अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हैं. Some people are dependent on their children. और कुछ लोग अपने बच्चों के ऊपर निर्भर हैं. Some people are dependent on the government, on the banks. और कुछ लोग बैंक के ऊपर या सरकार के ऊपर निर्भर हैं. It's a tough life. और ये एक बहुत कठिन जीवन है. Where you're always looking to somebody else. Who will help me now? ये ऐसी परिस्थिति है कि आप हमेशा किसी और के ऊपर देख रहे हैं कि कौन आपकी मदद करेगा. Believers don't have to live like that. विश्वासियों को ऐसा जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है. If you have a business, that businessman is always looking to the clients. They will help me. You don't have to live like that. देखिए, अगर आपका व्यवसाय है तो आप हमेशा अपने ग्राहकों की ओर आपकी नजर लगी हुई है कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन आएगा मेरे पास, कौन आएगा. देखिए, हमें वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है. यू लव पीपल. हम लोगों से प्रेम करते जरूर है. बट यू ओनली लुक टू जीसस. लेकिन हम सिर्फ यीशु मसीह की ओर ही देखते हैं. यू कैन कम टू अ प्लेस वेर यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पीपल एंड इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ. आप एक अगर ऐसी जगह पे हैं जहां पर आप पूरी तरीके से किसी और लोगों के ऊपर निर्भर है, तो वहां पर आप अपने जीवन को नाश कर रहे हैं. पीपल हु वर्क इन कंपनी, they may be totally dependent on the company. देखिए, जो लोग कंपनी के साथ काम करते हो सकता है वो पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर ही निर्भर हो. They are not your source, they are only the means through which money comes. देखिए, वो आपका स्रोत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो जरिया है जिसके द्वारा वो पैसा आप तक पहुंचाया जाता है. So when you sow, तो जब आप बीज बोते हैं, when you tithe, जब आप दशवांश देते हैं, when you give, जब आप भेंट देते हैं, remember that your due season is coming. आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपका नियुक्त किया हुआ समय आपकी कटनी का आ रहा है. If you're a tither, if you're not a tither, don't
don't say due season is coming. अगर आप दशवांश देने वाले हैं तो ही आपके लिए वो नियुक्ति समय आ रहा है. अगर आप दशवांश नहीं देते हैं तो आप इस बात को नहीं बोल सकते. Write it on your Bible and every time when you open the Bible you say thank you Lord my due season is coming. आप अपने बाइबल पे इस बात को लिख दीजिए. जब भी बाइबल खोलेंगे आप उस चीज को पढ़िए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर धन्यवाद मेरा नियुक्त समय आ रहा है. If you don't give up you will reap a harvest. अगर आप हार नहीं मानेंगे आप सचमुच अपनी कटनी को काटेंगे. So what are we supposed to do? तो हमें क्या करना चाहिए? We are supposed to wait. हमें इंतजार करना जरूरी है. When you tithe, जब आप दशवांश देते हैं, don't give up, keep tithing. आप हार मत मानिए, लगातार दशवांश देते रहिए. When you sow, जब आप बीज बोते हैं, don't give up, keep sowing. आप हार मत मानिए, लगातार बीज को बोते रहिए. If you are a giver, अगर आप देने वाले हैं, keep giving, do not faint. और आप लगातार देते रहिए, आप बिल्कुल हार मत मानिए, निराश मत होइए. And then wait. और उसके बाद फिर आप इंतजार कीजिए. Wait. आप धीरज के साथ इंतजार कीजिए. Somebody stands there and does like this. देखिए कोई ऐसा खड़ा हो जाता है. We ask him, what are you doing? और हम उसको बोलते हैं तू क्या कर रहा है? He said, I'm waiting. और वो बोलता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ. I am waiting. मैं इंतजार कर रहा हूँ. No, Bible waiting is a little different. देखिए बाइबल के तरीका जो इंतजार करने का है वो थोड़ा अलग है. Bible waiting is not you're sitting on a chair and you're waiting like this. देखिए बाइबल का तरीका ऐसा नहीं है कि आप कुर्सी पे बैठकर इस प्रकार से आराम से इंतजार कर रहे हैं. That's not Bible waiting. देखिए बाइबल के हिसाब से इसको इंतजार करना नहीं कहते. How do you wait? किस तरीके से आप इंतजार करते हैं? This is how you wait. और ये वो तरीका है जैसे आपको इंतजार करना चाहिए. Take a sheet of paper. आप एक पेपर का एक पेपर ले. This is about your prosperity. If you are not serious about it, no one is going to be serious about it. देखिए ये आपकी संपन्नता के बारे में है. अगर आप खुद इस चीज के लिए गंभीर नहीं है तो और कोई दूसरा भी आप के लिए इस विषय में कोई परवाह नहीं करेगा. फाइनेंशियल स्ट्रगल इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल. देखिए जो आर्थिक संघर्ष है वो सब संघर्षों में एक बहुत बड़ा संघर्ष है. Yeah, it's a tough problem. और ये सबसे कठिन समस्या है. So while you're waiting, तो क्यों हम इंतजार कर रहे हैं? Take a sheet of paper. जब हम इंतजार कर रहे हैं उस समय हम एक पेपर ले. And from your Bible, write down the verses that encourage you to tithe, sow and give. और आप ऐसे वचनों को लिख लीजिए जो आपको उत्साहते हैं या आपको उत्तेजित करते हैं दशवांश देने के लिए, बीज बोने के लिए और देने के लिए. और देने के लिए. Okay, now. I have to remind myself I'm talking in English. So take a big paper. तो आप एक बड़ा कागज ले लीजिए. Don't say I'm tithing because pastor said. और आप ऐसा मत बोलिए मैं दशवांश इसलिए देता हूँ क्योंकि पास्टर ने बोला है. Which are the verses that encourage you to tithe and sow? Write down all those verses. आप ऐसे कौन से वचन हैं जो आपको दशवांश देने के लिए प्रोत्साहन करते हैं? उन सारे वचनों को आप लिख लीजिए उस कागज पर. Are you like that believer who does not even know which verse talks about tithe? क्या आप एक ऐसे विश्वासी हैं जिसको ये भी नहीं पता कि दशवांश के बारे में कहां लिखा है या क्यों लिखा है? Your 10%. आपका जो 10% है. Your valuable 10% of your salary is going to God and you don't even know which verse talks about tithe. आपका 10% आपकी पूरी कमाई का परमेश्वर के राज्य में जाता है और आपको ये भी पता नहीं है कि वो चीजें कहाँ पे लिखी है और उससे क्या फायदा होगा आपको. Be serious about finances. और आप अपने आर्थिक विषय में गंभीर हो जाइए. It can destroy a family. और वो आपके परिवार का नाश कर सकता है. It can destroy a relationship between husband and wife. और वो एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता है उसको खराब कर सकता है. One of the major reasons, now listen to this carefully, one of the major reasons divorce happens is because of financial. देखिए एक सबसे बड़ा मुख्य कारण क्यों डिवोर्स या तलाक होता है उसका मुख्य कारण यही है. आर्थिक चीजें, आर्थिक समस्याएं. That's the main reason. और यही सबसे मुख्य मुद्दा है. So while you're waiting, तो क्यों हम इंतजार, जब हम इंतजार कर रहे हैं. I give my tithe, मैं अपना दशवांश देता हूँ. I sow my seeds, मैं अपना बीज बोता हूँ. Now I'm waiting, फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ. And while I'm waiting, I take out every scripture that talks about tithe, that talks about seed, that talks about finances. And with my hand, I write it on a piece of paper. और जो मैं उन सारे वचनों को निकालता हूँ जो दशवांश के बारे में है, बीज बोने के बारे में है, भेंट देने के बारे में है, और मैं उनको अपने ही हाथों से उस पेपर पर लिखता हूँ. I am waiting on those financial verses. और मैं उन जो आर्थिक समस्या के, जो आर्थिक क्षेत्र के बारे में वचन है, उन वचनों के साथ मैं इंतजार कर रहा हूँ. I am waiting on it.
मैं उसके ऊपर इंतजार कर रहा हूँ. I'm not waiting on a chair. मैं एक कुर्सी पर इंतजार नहीं कर रहा हूँ. Folding my hands and saying I'm waiting. अपने हाथों को बांधकर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अब इंतजार कर रहा हूँ. If you're waiting like that, you will wait for a long, long time. अगर आप इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा. When you're waiting, you wait on the financial scriptures. Wait on that. नहीं, जब भी आप इंतजार कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि आप उन वचनों के ऊपर अपने आप को दृढ़ करके उसके ऊपर इंतजार करें. Right. Number two. दूसरी बात, वेट विथ एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा के साथ आप इंतजार करें. माय ड्यू सीजन इज कमिंग, कि मेरी कटनी का समय आ रहा है. माय ड्यू सीजन इज कमिंग, मेरी कटनी का समय आ रहा है. यू नो द वर्ड एक्सपेक्टेशन एक्चुअली मींस, आपको मालूम है ये जो शब्द है अपेक्षा, इसका मतलब क्या है? लाइक समबडी टोल्ड यू दे आर गोना कम टू योर हाउस, जैसे किसी ने आपको कहा कि वो आपके घर पे आएंगे. एन एग्जांपल, दिस इज योर हाउस फॉर एग्जांपल. अगर आप उदाहरण के तौर पे समझे कि जैसे ये आपका घर है, एंड यू सीइंग द टाइम इज ऑलमोस्ट देयर, और आप देख रहे हैं कि वो समय आ चुका है जो मुझे दिया गया था. एंड यू गो नियर द विंडो, और आप खिड़की के बाजू में जाके देखते हैं. एंड फ्रॉम द विंडो यू स्ट्रेच योर हेड आउटसाइड एंड यू सीइंग Is he coming or not? और आप खिड़की से अपनी मुंडी को बाहर निकालकर झांकते हैं और देखते हैं कि वो व्यक्ति आ रहा है कि नहीं आ रहा है. He said he will come at 9. और उसने बोला कि वो तो 9 बजे आ जाएगा. And out of the window, see that's the word expectation. You are expecting that person to come. In this case, the person is my due season is coming. देखिए, जैसे हम इंतजार करते हैं किसी व्यक्ति का और उसके निर्धारित समय पर हम देखते हैं, उसी को कहते हैं अपेक्षा. और उसी तरीके से हमें अपेक्षा करनी है कि मेरी कटनी का समय आ रहा है. एंड लॉन्ग देयर यू कैन सी दैट योर ड्यू सीजन इज वेविंग योर हैंड लाइक दिस, और आप ऐसा दूर से देख सकते हैं कि आपकी जो कटनी का समय है वो वहां पर है, और आप उसको ऐसे हाथ दिखा के वेव कर सकते हैं. वो आपको हाथ दिखा के वेव कर रहा है कि देख मैं आ रहा हूं. एंड दैट ड्यू सीजन इज टेलिंग यू आई एम कमिंग, डोंट गिव अप. और वो कटनी का समय आपको बोलता है कि मैं आ रहा हूं, तो बिल्कुल हार मत मानना. And it's like expectation, you're seeing it, and that due season is on its way. And if you don't give up, you will have the due season of harvest. देखिए, आप इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार करते समय आप अपेक्षा कर रहे हैं, और वो कटनी का समय आप आ रहा है. अगर आप हार नहीं माने और अपेक्षा करते रहे, तो वो कटनी का समय आपके पास आ जाएगा. Every day say this. और हर दिन आप इस बातों को बोलिए. My due season is coming. कि मेरा कटनी का समय आ रहा है. I have tithed. मैंने दशमांश दिया है. I have sown. मैंने बीज बोया है. I did not lose heart. और मैं कभी हार नहीं मानूंगा, निराश नहीं होऊंगा. I have done it every month. और मैंने इस बात को हर महीने किया है. I have done it every Sunday. और मैंने हर रविवार को किया है. My due season is coming. मेरा कटनी का समय आ रहा है. My due season is coming. मेरा कटनी का समय आ रहा है. And when the due season comes, और जब वो कटनी का समय आएगा, you will be very happy. और तब आप बहुत आनंदित हो जाएंगे. Because it will be a flood. क्योंकि वो एक बाढ़ के समान होगा. Every tither has a due season. हर एक दशमांश देने का एक कटनी का समय है. हर एक दशमांश देने वाले का एक कटनी का समय है. Every sower has a due season. हर एक बीज बोने वाले के लिए एक कटनी का समय है. And with regard to finances, be very serious. आर्थिक क्षेत्र के विषय में आप गंभीर हो जाइए. Yeah, yeah. It will help you and it'll help your family. और ये आपकी भी मदद करेगा और आपके साथ साथ आपके परिवार की भी मदद करेगा. Okay, finally, number three. तीसरी बात, वेट विथ प्रेज एंड थैंक्सगिविंग, और आप स्तुति के साथ और धन्यवाद देते हुए इंतजार कीजिए. गॉड सेज द मोमेंट यू टाइथ योर ड्यू सीजन हैज स्टार्टेड द जर्नी. जिस परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस समय तुमने दशमांश दिया, तुम्हारा कटनी का समय उसी समय नियुक्त कर दिया गया और आपके लिए निकल गया है. द मोमेंट यू सो योर ड्यू सीजन हैज टेकन द ट्रेन इज कमिंग टू यू. देखिए, जिस समय आपने बीज बोया, उसी समय आपके कटनी के समय ने ट्रेन पकड़ ली आपके पास आने के लिए. द मोमेंट you sow, उसने बस पकड़ लिया वहां से. The moment you give, he has entered the bus. देखिए, जैसे आपने भेंट दिया या दिया, उसी समय उसकी यात्रा वहां से शुरू हो गई आप तक पहुंचने के लिए. See, this will help you. You will not give up. My due season is coming. Hallelujah. देखिए, ये बातें आपकी मदद करेगी आपकी जानकारी के लिए, और इसके द्वारा आप हार नहीं मानेंगे क्योंकि आपके कटनी का समय आ रहा है. Wait with praise and thanksgiving. आपको स्तुति के साथ और उसको धन्यवाद देते हुए इंतजार करना है. Thank you, Lord. My due season is coming. धन्यवाद प्रभु, मेरी कटनी का समय आ रहा है. I praise you, Lord. My due season is coming. प्रभु, मैं तेरी स्तुति कर
करता हूं मेरी कटनी का समय आ रहा है. Many people will miss the harvest. और बहुत लोग अपनी कटनी के समय को खो देते हैं. Because they don't know there is a due season. क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि उनके लिए एक नियुक्त समय रखा गया है. And they stop. और फिर वो वहां रुक जाते हैं. And the due season never comes. और उनके जीवन में कभी वो कटनी का समय पहुंच ही नहीं पाता. Wait on the financial scriptures. और आपको वो जो आर्थिक क्षेत्र के विषय में वचन है उसके ऊपर इंतजार करना जरूरी है. Wait with expectation. और आपको अपेक्षा के साथ इंतजार करना जरूरी है. Wait with praise and thanksgiving. और आपको स्तुति के साथ और धन्यवाद देते हुए इंतजार करना जरूरी है. Thank you Lord, my right time of harvest is coming. धन्यवाद प्रभु, मेरा सही समय कटनी का जो नियुक्त किया हुआ है वो आ रहा है. Whatever you can get to sow, just go around sowing it. जो कुछ भी आपको बोने के लिए दिया जाता है आप यहाँ वहाँ उसको बोते जाएं. Yeah, whatever you have, just keep blessing people, your harvest is coming. जो कुछ भी आपके पास है आप लगातार लोगों के ऊपर बोते जाएं क्योंकि आपका कटनी का समय आ रहा है. That's the art of waiting. अब यही है इंतजार करने की कला. And if you wait, you will reap. अगर आप इंतजार करेंगे इस तरीके से तो आप अपनी कटनी काटेंगे. That's the message for the school of prosperity. और यही आज का संदेश है मेरी संपन्नता की पाठशाला में. Is there any testimonies? क्या कोई गवाही है हमारे बीच में? Do you have testimonies? So please brother Bharat come. आइए. So we will take some testimonies. If you have testimonies please come quickly.